ऐसे ही पहले मिट्टी लपेट कर दिन भर काम करते थे तो शाम को गोरे के गोरे ही निकलते थे, पूरा का पूरा प्रहार मिट्टी पे होता था धूप का। कितना बढ़िया आइडिया था अनपढ़ लोगों के पास। और जब से ये शिक्षा आई है तब से तो महाराज क्या कहना है, क्रीम के नाम सनस्क्रीन, धूप से बचाने की क्रीम, बोलो है कोई लॉजिक है? ये कितनी झूठी बात है, बोलो, धूप से बचाने की क्रीम और इतनी महंगा, इतना महंगा। एक माताजी ने मुझे भी लाके दी थी 5-6 साल पहले, मैं गोरा चिकना तो बढ़िया ही तुम पहले से, तो गुरुजी ये सनस्क्रीम है। मैंने कहा क्या होता है, तो कहा धूप नहीं लगती इससे। तो मैंने ससुरा देखा, चेक कर लू भैया, तो मैंने लगाई क्रीम, बाहर चेक किया सूरज की तरफ खोपड़ा करके, तो भनभना के धूप लगी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सनस्क्रीम नहीं है, ये तो धूप पसीना हो रहा गया दुनिया भर का। तो महाराज बड़ी दुनिया बेवकूफ बना रही है, सनस्क्रीम, बारिश की क्रीम, ठंडी की कोल्ड क्रीम, अरे तेरी ऐसी तैसी करो आए। और ये पूरा का पूरा पांडाल जो है ना उसमें ही बहा हुआ बैठा है मौसम के हिसाब से। अरे काय को मौसम और काय का क्या, शरीर तुम्हारा इतना अनमोल है, फिर सुनो, शरीर से ज्यादा अनमोल दुनिया में कहीं भी क्रीम नहीं मिलती है। ये काया तुम्हारी मौसम के हिसाब से अपने आप को रखती है, तैयार करती है और बदलती रहती है। इसको कुछ भी अलग से मौसम के लिए पोता पाती की जरूरत नहीं है। हाँ, शरीर में जब कम हो जाए, तत्व कम हो जाए, ऑयल कम हो गया, मानो शरीर में ऑयल कम हो गया तो क्या होता है, सबसे पहले एड़ियां फटती हैं। एड़ियां, अगर आपकी एड़ियां फट रही हैं, मार्बल में भी, ग्रेनाइट में भी, टाइल्स में भी फट रही हैं, और आप न कूड़ा डालते न गोबर डालते फिर भी फट रही हैं एड़ियां, तो फिर आपको अंदाज नहीं, पूरा विश्वास करना चाहिए कि मेरे शरीर का ऑयल कम हो रहा है, मेरे शरीर का मॉइस्चराइज कम हो रहा है, मेरे शरीर में मुझे मॉइस्चर पैदा करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में यह करना चाहिए कि आधा चम्मच गाय का घी सेंधा नमक डाल करके रोज खाली पेट 3 महीने खाना चाहिए, तो पूरे शरीर में मॉइस्चर ही मॉइस्चर, मॉइस्चर ही मॉइस्चर, इतना मॉइस्चर आ जाएगा कि महाराज एड़ियां जो हैं एकदम दमकने चमकने लग जाएंगे। कई लोगों के हाथ भी फट जाते हैं, कई लोगों का ये फट जाता है ठंडी में जनवरी में चमड़ी। तो कितना बढ़िया आइडिया, बिना क्रीम के अंदर डालो क्रीम, आधा चम्मच गाय का घी और उसमें सेंधा थोड़ा सा, और खाली पेट सुबह ले लो। आप 10 दिन भी ले लेंगे इसको, और थोड़ा तला वाला छौका छाका कम खाएंगे तो आप देखो तो सही आपकी चमड़ी कैसी रंग छोड़ती है। ऐ अंदर से महाराज ऐसी बिवाइयां भरती चली जाएंगी फटी हुई, जहां मांस नहीं है, जहां दरार बड़ी है वहां मांस पैदा हो जाएगा। है ऊपर से क्रीम लगाने से मांस कैसे पैदा होगा, कभी नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि मांस तो आहार से पैदा होता है, अंदर से मांस बाहर की ओर बढ़ता है, चमड़ी अंदर से बाहर की ओर निकलती है।